नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेस्टीज मीडिया की खास पेशकश रिपोर्टर राउंड में। और रिपोर्टर राउंड में आज मेरे साथ मौजूद हैं इंदौर के डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी श्री उमाकांत चौधरी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर। अभी आपका हाल ही में आपकी नियुक्ति हुई है इंदौर में एज अ डीएसपी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए। तो सर अभी मैं इस शो की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मतलब काफ़ी लोगों के द्वारा मतलब फीडबैक मिले कि आपने एक ट्रैफिक नियम में क्रांति लेके आ चुके हैं, सर उस बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, इंदौर शहर एक काफ़ी बड़ा शहर है और लगातार तेज़ी से इसमें विस्तार हो रहा है। नई नई बिल्डिंग कॉलोनियां बन रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, साथ में लगभग 20 लाख के करीब वाहनों की संख्या इंदौर शहर की पहुंच चुकी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम होना ज़रूरी है। उसी को लेके हमने, चूँकि पहले से सिस्टम चल रहा है लेकिन जगह जगह शहर में चूँकि कई सारे निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करना और सिग्नल को नए तरीके से उनकी टाइमिंग सेट करना, वाहनों की संख्या जिस तरफ ज़्यादा है उस तरफ के सिग्नल की टाइमिंग ज़्यादा करना, इस तरह के कई सारे प्रयोग हम पूरे शहर में कर रहे हैं। और साथ में अभी आपने देखा होगा कि 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमने एक यातायात जागरूकता अभियान चलाया हुआ था। उसमें हमने शहर के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जाकर जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया है, सचेत किया है, उनके व्यूज़ भी लिए हैं, क्योंकि युवा वर्ग का एक बहुत अहम रोल होता है, उसकी एक अलग पारखी नज़र होती है शहर को समझने की, उनके व्यूज़ भी हमने लिए हैं। और उसमें और क्या हम अच्छा करके और शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित कर सकते हैं, इस संबंध में हमने प्रयास किए। सर जैसे आप भी इंदौर में आए, इंदौर का ट्रैफिक हमेशा सवालों का मुद्दा रह चुका है, और आप जब इधर तो आपको क्या किस तरीके का ट्रैफिक लगा, क्या क्या चुनौतियां थी सामने? नहीं, पहले भी मैं ट्रैफिक में उज्जैन और देवास में काम किया हूं। इंदौर शहर में जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर शहर में विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, मिनी मुंबई कहलाता है, तो उसकी वजह से यहाँ जगह जगह ट्रैफिक जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल की जो टाइमिंग है उनका सिंक्रोनाइज सिस्टम जो होता है एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे जाने पे, फिर तीसरे चौराहे पे जाने पे, जो एक समानांतर प्रक्रिया है उसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी थी। उसको हमने अभी लगातार सर्वे किया, हमारी टीम ने, हमारे सभी ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारियों ने, और हमारे जो ट्रैफिक के जो छोटे कर्मचारी हैं उनसे भी हमने पूरा फीडबैक लिया। एक कांस्टेबल जो चौराहे पे खड़ा होता है, मुझे लगता है कि उसको उस चौराहे के संबंध में सबसे ज़्यादा जानकारी होती है, लेकिन उसके व्यूज़ कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले उनके व्यूज़ लिए कि भाई तुम्हें क्या समझ में आता है, क्या दिक्कत आती है। व्यवहारिक दिक्कतें जब हम समझ लेते हैं किसी चौराहे की तो उसको ठीक करने में हमें बहुत आसानी होती है। सर जैसे इंदौर में अभी आपने चालानी कार्रवाई बहुत तेज़ी से करी है, जिसमें आपने हूटर पे अभी बहुत ज़्यादा जो अवैध हूटर लगा के लोग घूमते, तो उसमें चालानी कार्रवाई करी, तो सर क्या ये चालानी कार्रवाई मतलब सारे मतलब कोई भी बड़े लोग हों जो हूटर लगा के अवैध तरीके से चल रहे हैं, सब पे हुई है क्या? निश्चित रूप से, चुनाव अभी नज़दीकी है, चुनाव आयोग के निर्देश हुए थे जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के अभियान चलाए गए थे। आपने भी देखा होगा पूरे इंदौर शहर में हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, अगर कोई अवैधानिक तरीके से हूटर का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय में इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई है कि अब आप चौराहों से निकलेंगे तो शायद आपको ढूंढने से भी हूटर वाली गाड़ियां नहीं मिलेंगी। जो कानून व्यवस्था में लगे लोग हैं या जिनको पात्रता है, सिर्फ उन्हीं वाहनों पे हूटर लगे हैं अभी इंदौर में। और बहुत सारी ट्रैफिक में कार्रवाई के दौरान इस तरह की चीज़ें आती हैं, हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें कई बार आती हैं कि कोई हूटर लगा के और फिर कहीं और से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमने उस पर कार्रवाई की। सर जैसे अभी चुनाव काफ़ी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव, उसके लिए क्या 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 आपकी स्ट्रेटजी है ट्रैफिक के लिए? देखिए, ट्रैफिक विधानसभा चुनाव में ट्रैफिक का बल भी पोलिंग बूथ पे लगाया जाता है, बहुत सारा बल हमारा पोलिंग बूथ पे लगता है, तो ज़िले की जो पूरा बल है उसकी प्रशिक्षण भी हो रहा है, उसी के साथ साथ यातायात के बल को भी हमने चुनाव के पूर्व प्रशिक्षण करवाया है। हमने अलग अलग उनकी क्लासेस ली हैं, ऑडियो विजुअल और वीडियो के माध्यम से, जो पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश जारी होते हैं और जो हमारे वरिष्ठ कार्यालय से जो भी निर्देश चुनाव आयोग से जारी होते हैं, उन सब के संबंध में उनको अवेयर किया,
सचेत किया है और ताकि वो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका सुचारू रूप से पालन कर सकते। सर कई बार ऐसा रहता है कि जो सिग्नल हम पार करते हैं वो सिग्नल एक बार में लोग पार नहीं कर पाते उसको, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो जाता है, तो सर उससे भी कई बार ट्रैफिक की समस्याएं ज़्यादा आ जाती है, तो उसके लिए क्या निदान है सर? उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा कि अभी आप देवास नाके का जो सिग्नल है उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि 20 सेकंड या 30 सेकंड किसी जगह पे था जिससे कि लोग निकल ही नहीं पाते थे और रफ्तार बनी नहीं पाती थी और फिर से वो रेड हो जाता था, तो उसको हमने ठीक किया है। देवास नाके पे लगभग 2.5 मिनट की हमने टाइमिंग पूरी रोटरी पर ली है, रोटरी के एक हिस्से को भी हमने अलग किया है ताकि लोगों को ज़्यादा जाने के लिए जगह मिले। तो इसी तरीके से बाकी चौराहों पे भी हमने इसी तरीके से किया है कि उनके लेफ्ट टर्न खुल जाएं। इस संबंध में भी कलेक्टर साहब से भी हमारे अधिकारियों ने चर्चा की है, आईडीए के अधिकारियों से भी हमने चर्चा की है, नगर निगम के अधिकारियों से तो हम लगातार संपर्क में रहते ही हैं। इन सब के माध्यम से ट्रैफिक जो रोड इंजीनियरिंग है उसका उपयोग हम सही दिशा में करें, लेफ्ट टर्न खुल जाएँ और जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, कई जगह चौराहों पर गड्ढे भी हैं उनको भरवा दें ताकि उससे जो उस चौराहे का ट्रैफिक का संचालन है वो सही ढंग से हो। सर ट्रैफिक और टेक्नोलॉजी का एक अभी हाल ही में अच्छा संबंध चल रहा है, जैसे कि अभी रोबोट लगाया है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, तो सर आने वाले समय में ऐसे ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी का जो हम उपयोग करेंगे यातायात के उसमें? देखिए सबसे एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है RLVD सिस्टम है। अभी 28 चौराहों पर इंदौर शहर में RLVD सिस्टम लगा हुआ है। वो एक पूरा ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है कि उसमें हमें पुलिस की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुद ट्रैफिक का वायलेशन करेंगे रूल्स का तो आपके घर पे ही आपको चालान उसका पहुंचा दिया जाएगा गाड़ी के नंबर से पता करके। ऐसी और भी कई सारी तकनीक हैं जो आने वाले समय में, अभी हम लोग और कई सारे उपकरण और नए क्रय करने वाले हैं, जो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स हैं जो जिससे कि हम शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई कर सकें, उस तरह के कई और सारे उपकरण हम लोग खरीदने वाले हैं। सर जब आप इंदौर आए तो इंदौर के लोग कितने सक्रिय दिख रहे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करने में, क्या उनका कुछ हाथ है मतलब सुधार लाने के लिए? तो इंदौर के नागरिक तो हमेशा ही, अब जैसे कि स्वच्छता में नंबर वन आए हैं पूरे देश में, इस बात का डंका बज रहा है, तो लोग तो काफ़ी अवेयर हैं और बस ये है कि एक दिशा दिखाने की उनको ज़रूरत है, उनको साथ लेके चलने की ज़रूरत है, ना कि हम केवल चालानी कार्रवाई से नहीं कर पाएंगे। हमारा ये पूरा पखवाड़ा या जागरूकता अभियान चलाने का उद्देश्य यही है कि केवल चालानी कार्रवाई या इन्फोर्समेंट से ही सब नहीं होगा, समाज में लोगों में खुद भी जागरूकता लानी पड़ेगी कि वो यातायात के नियमों के प्रति खुद सचेत हों और अपने उनका पालन करें और अपनी जान की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए स्वयं सचेत रहें। सर आपको मतलब अभी मैं इंदौर में थोड़ा घूमा इस इंटरव्यू के लिए तो थोड़ा रिसर्च करा, तो आपको एक दबंग DSP के नाम से भी लोग बोल रहे हैं अभी, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सभी अधिकारी बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं और हमें तो केवल नियमों के पालन के लिए यहाँ पदस्थ किया गया है। जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी निर्देश देते हैं उसका अक्षर से पालन हो, यही हमारी जिम्मेदारी होती है। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और आज रिपोर्टर राउंड में हमारे साथ मौजूद थे इंदौर के DSP सर, जिन्होंने ट्रैफिक को लेके जो अभी जितने कदम उठाए हैं उनके बारे में बताया। धन्यवाद।